अरिघात ने किया ऐसा काम, भारत पर नहीं हो सकता परमाणु हमला। चीन को लगा डर तो भारत को दे डाली सलाह। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन INS अरिघात जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल हुआ तो चीन ने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि क्या भारत अपनी ताकत दूसरे देशों को डराने के लिए दिखा रहा है। हालांकि कई और बातें भी थी जिससे लग रहा था कि चीन को डर लग रहा है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि INS अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। भारत के पास पहले से ही INS अरिहंत है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप, इसलिए न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को नेवी में दिया गया, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर ही ऑपरेट होगा। हालांकि भारत न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश है और कई साल पहले से वो अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और INS अरिघात भी इसी कड़ी में एक और सफलता भारत के लिए है। अब सवाल है कि भारत को परमाणु हमले से बचाने के लिए ये पनडुब्बी कैसे काम आएगी, कैसे भारत की सुरक्षा करेगी। तो इसका जवाब आपको दें उससे पहले आपको बता देते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश कौन सा होता है, उसका मतलब क्या होता है। परमाणु हमले जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से किए जाते हैं। अग्नि 2, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल जमीन से परमाणु हमला कर सकती हैं। INS अरिहंत पनडुब्बी के जरिए पानी से परमाणु हमला कर सकता है। हवा में राफेल SU-30, MKI और मिराज 2000 न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है। तीनों हवा, पानी और जमीन से जब कोई देश परमाणु हमला करने में सक्षम हो तो उस देश को न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि अब अरिघात के आने से भारत मजबूत होगा। इस पनडुब्बी को दुश्मनों के लिए काल बताया जा रहा है। INS अरिघात 750 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। INS अरिघात 15 मिसाइल से लैस है जो काफी खतरनाक है। वैसे तो भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल हो चुके INS अरिहंत और अरिघात में काफी समानता है, लेकिन INS अरिघात परमाणु हमले को और मजबूती देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे चीन को क्यों परेशानी हो रही है। दरअसल सबमरीन के शामिल होने से चीन को डर सता रहा है कि भारत की परमाणु क्षमता बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में भारत की इससे ताकत बढ़ेगी, और भारत की ताकत बढ़े ऐसा चीन कभी नहीं चाहता। और इसलिए सबमरीन के शामिल होने पर चीनी सरकार के भोंपू माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने INS अरिघात को लेकर एक आर्टिकल लिखा और इसमें चीन के एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत को अपनी क्षमता उसी आधार पर बढ़ानी चाहिए जितनी उसे जरूरत है, ना कि किसी को डराने के लिए। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के डिफेंस पत्रकार लियू जुआनजुन का कहना है कि बीजिंग स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ ने बताया कि ज्यादा परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के साथ भारत की परमाणु क्षमताओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही इसका इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी सही तरीके से होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद है उनका उपयोग शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, ना कि ताकत दिखाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए। यानी चीन ये भारत को चेता रहा था कि भारत जो अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है वो खतरनाक हो सकता है। फिलहाल भारत अगर कोई काम करता है तो उसका कोई मकसद होता है और भारत जो भी करता है वो अपनी रणनीति के तहत करता है, क्योंकि हमारी नीति किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा करने की है, और वो भारत हमेशा करता रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।